Hello dear students, I hope all of you are doing very well. Students, this is the online class of mathematics for class 10 from Ncert book, and this is my lecture number 4 from chapter 1, real numbers. Students, before this I have made lecture 1, 2 and 3. So if you have not watched those lectures, then please go ahead and watch those lectures before this lecture so that you can understand the concept very clearly and completely. Okay, we have studied that what exactly is the fundamental theorem of arithmetic. हमने ये पढ़ लिया कि fundamental theorem of arithmetic क्या होता है. अब हम उसके कुछ applications जानेंगे. तो fundamental theorem of arithmetic में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी composite number को product of prime factors के form में लिख सकते हैं. We can write any composite number in the form of product of prime numbers. Okay. So now we will apply these fundamental theorem of arithmetic into different segments. The first, there are two main applications as I have already told you. और वो दो applications क्या थे? पहला तो था, मैंने आपको बताया था कि to prove the irrationality of some irrational numbers like root 2, root 3, root 5, ठीक है? और दूसरा हमने आपको बताया था to explore the nature of decimal expression of rational numbers. वो हम next video में, next lecture में करेंगे. इस video में हम देखेंगे how to prove the irrationality of irrational numbers. In class 9, you have studied that root 2, root 3, they are irrational numbers and you have represented these on the number line. और आपको ये भी पता था कि the decimal expression of root 2, root 3, ये सब कैसे होते हैं? Non-terminating होते हैं और non-recurring होते हैं. जो भी root 2 और root 3, root 5, इस type के जो numbers हैं, इनका decimal expansion करेंगे तो हमें non-terminating and non-recurring हमें decimal expansion देखने को मिलता है. लेकिन class 9 में हमने ये prove नहीं किया था कि actual में root 2, root 3 किस तरीके से irrational numbers हैं, वो हम इस lecture में देखेंगे, ठीक है? So पहले, इससे पहले कि हम इसको prove करें कि root 2 irrational number है, root 3 irrational number है, इससे पहले हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये थ्योरम ये है कि वी हैव p अ प्राइम नंबर. हमने कोई प्राइम नंबर ले लिया और हम बोल रहे हैं कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a आल्सो. तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है? जैसे मैं ये कहूं कि 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है? और मैं ये कहूं, जैसे कोई आप स्क्वायर ले लीजिए, जैसे 144, ठीक है? ये किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है? तो मैं ये कहूं कि अगर 3 144 को डिवाइड करता है, या फिर इस तरीके से कि अगर 3 डिवाइड्स 12 स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स 12 आल्सो. ये तो हमें पता है, इस केस में तो हमें पता है, लेकिन इन जनरल हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, हम a का, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. जैसे इस केस में देखिए, 3 इज डिवाइडिंग 12 स्क्वायर, तो हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है? 2 into 2 into 3 आता है. ऐसे मैंने यहां पर a हमारे पास है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमने a का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है. इसमें आता है p1 p2 and pn, ये हमने मान रखा है. जैसे यहां पे 2 into 2 into 3 है, वैसे मैंने यहां पे लिया है p1 p2 and pn. ये आप देख पा रहे होंगे, जहां पे p1 p2 up to pn ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राइम नंबर्स हैं. Not necessarily distinct, जरूरी नहीं है कि ये अलग-अलग ही होंगे. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 2, 2, 3, तो यहाँ पे 2 और 2 बराबर हैं, तो हो सकता है कि दो प्राइम आपस में बराबर हो जाएं, लेकिन ये जो पूरा एक्सपेंशन होगा ये यूनिक होगा, ठीक है? आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा है कि जो भी किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, केवल एक तरीके का होता है, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है. तो इसके बाद, as per the statement कि p a square को divide करता है,
ठीक है, तो पी ए स्क्वायर को कब डिवाइड करेगा? हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, अगर ए की वैल्यू है पी वन पी टू अप टू पी एन, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इस पूरे का, पी वन पी टू पी एन का हमने पी वन पी टू पी एन में मल्टीप्लाई करना है। और ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी वन का पी वन से मल्टीप्लाई होगा तो पी वन स्क्वायर हो जाएगा, पी टू का पी टू से मल्टीप्लाई होगा तो पी टू स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से पी एन का पी एन से मल्टीप्लाई होगा तो पी एन स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने 12 का एक्सपेंशन किया, 2 × 2 × 3 आएगा, इसी तरीके से अगर मैं 12 स्क्वायर का एक्सपेंशन करना चाहूँ तो ये क्या होगा, 2 × 2 × 3, और इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में 2 × 2 × 3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमने 2 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो इधर ये देखिए, ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये वाला 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमने ए स्क्वायर की वैल्यू जब निकाली तो ये पी वन इंटू पी टू इंटू पी एन, पी वन इंटू पी टू इंटू पी एन, तो यहाँ पे सबका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट में दिया है कि पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी इन्हीं में से कोई एक प्राइम होगा। ठीक है, जैसे 3 अगर 12 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप 2 और 3 3 आ रहा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसी वजह से अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यहाँ पर भी पी आना चाहिए, इन्हीं में से कोई एक होगा पी। नाउ वी आर गिवन दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयर फोर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट फॉलोज दैट पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। हाउ एवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी रियलाइज दैट ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर पी वन पी टू एंड पी वन पी एन। तो ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, पी वन पी टू और पी एन ही हैं, इन्हीं में से एक आपका पी भी है क्योंकि पी इसको डिवाइड कर रहा है, तो अगर इन्हीं में से एक पी भी है, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, पी वन पी टू पी एन। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी तो पी होगा ना, और अगर इसमें भी पी होगा तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को प्रूफ करने में, इरेशनैलिटी प्रूफ करने में। देखिए इसका प्रूफ तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है और जो अभी मैंने इसको समझाया ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट इसका याद रखना है कि इफ पी इज़ अ प्राइम एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो वेर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है। अब हम पिछली वाली थ्योरम का यूज यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रूफ करने का इरेशनल, हम ये मान लें, हम इसको प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन से। लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन कहता है कि पहले इसका उल्टा मान लो और दिखा दो कि वो गलत है। ठीक है, जैसे रूट टू को हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम ये मान लें कि चलिए मैं मान लिया कि रूट टू रैशनल नंबर है, और ऐसा जब हम मानेंगे कि रूट टू रैशनल नंबर है तो हमें फाइनली एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो कि गलत है, और फिर हम कह देंगे कि हमें गलत इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने जो माना था कि रूट टू रैशनल है वो हमारी मान्यता ही गलत थी, इसलिए रूट टू इरेशनल है। तो इस चीज को बोलते हैं प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसको इसी तरीके से लिखना है, आप कुछ भी प्रूफ करेंगे ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट रूट टू इज रैशनल, मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें पता है कि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर एंड एस वेयर एस इज नॉन जीरो, आपको पता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, सच दैट रूट टू बराबर आर बाई एस, चूंकि हमने रैशनल मान लिया है तो रूट टू को हम आर बाई एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए 4 बाई
8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके फॉर्म में लिख दिया R बाई एस के फॉर्म में। इसके बाद हम क्या करेंगे कि R और S का अगर कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ पे हमने 4 बाई 8 लिया, फॉर एग्जांपल ले लिया, ऐसे ही 4 बाई 8 लिया, इनका कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ, इसका कॉमन फैक्टर 2 है, 4 भी है, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8, तो ये आ गया 4 बाई 8 का मतलब आ गया 1/2, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरीके से अगर R और S का कोई कॉमन फैक्टर है तो हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अगर अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर है तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल गया रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी। जैसे हमारा 4 बाई 8 के बाद हमें 1/2 मिलता है। अच्छा बताइए कि 1/2 का कोई कॉमन फैक्टर है? अब तो नहीं, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्राइम्स आ गए, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, इन दोनों को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे 3/5 है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकें, यही लास्ट है। इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो आज आपका एक होमवर्क ये भी है कि आप इसका इमेज भेजोगे, ये लिख करके कि व्हाट इज को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखोगे, उसके कुछ एग्जांपल्स लिख करके मुझे इमेज उसका सेंड करोगे, ठीक है। एक होमवर्क तो आपका ये है। तो अब हमने क्या किया, हमने R और S का जो कॉमन फैक्टर था उसे डिवाइड किया। अब यहाँ पे हमें A और B को प्राइम्स मिल गए। को प्राइम का मतलब जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर जिसमें नहीं होता है। इसका मतलब अब हमारे पास रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, B को हमने रूट टू से मल्टीप्लाई किया, इधर बचा A, नेक्स्ट लाइन B अंडर रूट टू इज इक्वल टू A, B को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं और रीअरेंज कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2 आता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया है तो हम तो ये कहेंगे ही कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। क्यों कहेंगे? क्योंकि ए स्क्वायर का जो ये फैक्टराइजेशन हो रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। जैसे हमारे पास 12 है, 12 को हम लिखते हैं 3 × 4, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 12? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 3 इसके फैक्टराइजेशन में शामिल है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 इसके फैक्टराइजेशन में शामिल है, तो हम बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो अभी इसके पहले वाले थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ये इसके जस्ट पहले वाले थ्योरम में हमने किया है। तो अगर यहाँ पे 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, है ना। और अगर 2 ए को डिवाइड करेगा तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टू इज ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी। अगर डिवाइड करेगा तो इसको हम किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके ए को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर 3 12 को डिवाइड करता है, ठीक है, तो क्या हम 12 बराबर 3 × समथिंग नहीं लिख सकते हैं? वहाँ पे समथिंग में 4 आएगा, 3 × 4 आएगा, तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 ए को डिवाइड करता है तो ए को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स सी। क्लियर? फॉर सम इंटीजर सी, फॉर सम इंटीजर सी का मतलब जैसे यहाँ पे 4 है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ए की जगह ये जो ए की वैल्यू हमें मिली है इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुटअप करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए वी गेट 2b² इज इक्वल टू 4c², ए की जगह हमने 2c रख दिया तो 4c² हो गया, मीन्स b² इज इक्वल टू 2c², 2 से हमने इसको कैंसिल किया है तो यहाँ पे 2 बचा है। अब देखिए, अभी इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मिल रहा है कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 जो है b के फैक्टराइजेशन में इंक्लूडेड है, इसलिए 2b² को डिवाइड करता है, ठीक है, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2b² को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, कैसे, इसके पहले जो थ्योरम किया था उस थ्योरम से। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है यूजिंग थ्योरम नंबर 1.3, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है थ्योरम का, ठीक है, विथ p इज इक्वल टू 2।
ठीक है, अब अगर 2 b को डिवाइड कर रहा है तो हम b की जगह कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि इसके ऊपर हमने देखा कि 2 डिवाइड्स a और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स b, इसका मतलब a और b दोनों का एक कॉमन डिवाइजर है, दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, क्या? 2। 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल गया, और वो क्या है कॉमन फैक्टर? 2। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, ये हमने किया था ना। अब यहाँ पे आ गया कि, और हमने ये भी मान लिया था कि आर और एस को हमने पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया था, कि अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो फिर भी यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, हमने इसको को प्राइम मान लिया था, लेकिन फिर भी ऐसा आ रहा है कि 2 इसका कॉमन फैक्टर है, और ये बात गलत है, ठीक है। देयर फोर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स। तो चूंकि को प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसलिए हमें कंट्राडिक्शन मिल गया। और ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों मिला? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ये इसलिए मिला है क्योंकि हमने जो एजम्पशन करी है कि रूट टू रैशनल नंबर है, हमारा एजम्पशन ही गलत है, ठीक है। दैट रूट टू इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन गलत है। सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो इसको हम कहते हैं प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन। अगर आपको कुछ दिया है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, तो पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए उसको मान लेंगे कि नहीं, ये रैशनल नंबर है, और ऐसा मान करके चलेंगे तो लास्ट में हमें कुछ ऐसी कंट्राडिक्टरी बात मिल जाएगी, फिर हम कहेंगे कि ये कंट्राडिक्टरी बात इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारी मान्यता ही गलत है, हमारा एजम्पशन ही गलत है। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, लाइक 5 -√3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको भी रूल ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि ये 5 -√3 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम कुछ हमारे पास को प्राइम्स हैं ए और बी, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ये रैशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं इनको, बी नॉट इक्वल टू जीरो हमने माना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि हमने को प्राइम पहले से ही ले रखा है। इसके पहले जब रूट टू का प्रूफ किया था, उसमें हमने पहले आर बाई एस लिया था, उसको सिंप्लीफाई करके तब ए बाई बी लिया था हमने, और लास्ट में हमने बोला था कि ए बाई बी को प्राइम है। को प्राइम वाला जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप नहीं लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो लाइन जरूर लिखना है। तो 5 -√3 इज इक्वल टू ए बाई बी, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो बी का मल्टीप्लाई इधर करने पे हमें क्या मिलेगा? देखो, पहले हमने ए बाई बी को ही इधर कर लिया है, रूट थ्री को एक किनारे कर दिया है। रूट थ्री को किनारे इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक तरफ रैशनल हो जाए और एक तरफ इरेशनल हो जाए, जिससे हमें कंट्राडिक्शन मिल जाए। इसलिए इरेशनल को हमने एक साइड किया और ए बाई बी को हमने दूसरे साइड किया। अब हम बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट थ्री इज इक्वल टू 5 - a टाइम्स b, और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो 5b - a बाई बी। अब आप ये बताइए कि 5 हुआ, बी हुआ, ए हुआ और बी हुआ, इन सभी से जो नंबर्स बनेंगे वो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे? क्योंकि हमने ए और बी और 5 इंटीजर ही है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, तो सभी इंटीजर्स के फ्रैक्शन से मिल करके कभी इरेशनल नंबर तो बनेगा नहीं, वो तो हमेशा रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि रूट थ्री इरेशनल नंबर है, ये हम मान के चल रहे हैं कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर एक रैशनल नंबर है यहाँ पर और इस साइड इरेशनल नंबर है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हुआ ना कि कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है। और ये कंट्राडिक्शन हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। क्या एजम्पशन रॉन्ग था? कि 5 -√3 रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर वी गेट दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, एंड ऑल्सो वी नो दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे गलती से लिखा है, इसको आप इरेशनल कर लीजिए, ठीक है। सो रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, मतलब हमको ये पता है कि ये आपका रैशनल नंबर है और रूट थ्री इरेशनल नंबर हमें पता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो ये आ रहा है कि रूट थ्री हमारा रेशनल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेशनल है तो ये भी
रैशनल होना चाहिए, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ट्रूथ इज इरेशनल. सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 5 - √3 इज रैशनल. तो ये हमें कंट्राडिक्शन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था और इसलिए ये इरेशनल नंबर है. ठीक है, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 5 - √3 इज इरेशनल. एक और एग्जाम्पल है, जैसे वी कंक्लूड दैट दिस इज इरेशनल. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 3 √2 को इरेशनल प्रूफ करना है. तो 3 √2 को अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी हम मान लेंगे कि इट इज रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर है तो हम इसको लिखेंगे a बाई बी के फॉर्म में, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 है. 3 √2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेर इट, जहां पर b आपका नॉट इक्वल टू 0 है. अब हम b को क्या करेंगे, 3 को हम इधर लाते हैं. ठीक है, मैंने कहा था जो रूट वाला है उसको एक तरफ रखो और बिना रूट वाले को एक तरफ रखो. तो 3 को हम इधर लाएंगे तो a बाई 3 का b में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टाइम्स b आ जाएगा. अब हम देखेंगे कि चूंकि a और b ये दोनों इंटीजर हैं, 3 भी एक इंटीजर है, तो ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा. और अगर ये रैशनल नंबर है तो इससे पता चलेगा कि √2 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये इस बात को कंट्राडिक्ट करेगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है. एंड देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट दिस इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग, एंड देयरफॉर दिस इज इरेशनल नंबर. सो ये आपका प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन होता है. तो आपको एक होमवर्क जो भी पिक भेजना है जो करके, वो क्वेश्चन यहाँ पे है. आपको प्रूफ करना है कि 3 - √7 अपॉन 2 + √7 ये एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है. प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, और इसको प्रूव करके इसका इमेज हमें भेजना है. ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 है. इसमें प्रूफ करना है पहला √5 इरेशनल नंबर है. इसको सेम वैसे ही करना है जैसे √2 का किया था. ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है, सिंपली आपको मानना होता है कि √5 एक रैशनल नंबर है. सपोज दैट √5 इज ए रैशनल नंबर. रैशनल नंबर मान करके √5 बराबर हम दिखाते हैं कि लेट्स से इट इज इक्वल टू a बाई बी. और यहाँ पे ये बात जरूर लिखना है कि a एंड b आर को प्राइम, b नॉट इक्वल टू 0 है, और ये लिखना है कि दीज टू आर को प्राइम. अगर ये लाइन नहीं लिखा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं मिलेंगे. इसलिए आपको ये लाइन जरूर लिखना है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि इसी से तो लास्ट में हम दिखाएंगे कंट्राडिक्शन. ठीक है, अब ऐसा करने के बाद हम इनका स्क्वायर करेंगे. तो स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आएगा, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर. फिर हम ये बोलेंगे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, और अगर 5 ए को डिवाइड करेगा तो ए इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया है, ए इज इक्वल टू 5c मान लेंगे. फिर ए की जगह इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर. 5 × b² इज इक्वल टू 25 × c², ये आएगा. 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे b² इज इक्वल टू 5 × c² आ जाएगा. अब यहाँ से मिला कि 5 / b² ऑल्सो, एंड देयरफॉर 5 / b. ठीक है, अब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल गया, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम. इसलिए ये आपका इरेशनल हो जाएगा. इसी तरीके से 3 + √5 को इरेशनल करने के लिए पहले कंट्राडिक्शन मानेंगे कि लेट अस सपोज दैट दिस इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर मान करके इसको भी हम लिखेंगे p बाई क्यू के बराबर लिख देंगे, या a बाई बी के बराबर लिख देंगे. ठीक है, अब 3 को हम पहले जो जो सर्ड्स वाले हैं, जो जो रूट वाले हैं, उसको एक साइड करेंगे, बिना रूट वाले को एक साइड करेंगे. तो p बाई क्यू -3 आएगा, और डिवाइडेड बाई या फिर इंटू 1/2. इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, रैशनल आएगी, और दूसरे साइड क्या होगा, √5 होगा. तो इससे हमें पता चलेगा कि ये अगर रैशनल है तो √5 को भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि √5 रैशनल नहीं होता, इरेशनल होता है. एंड देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, एंड देयरफॉर दिस इज इरेशनल. इन द सेम वे आपको ये सब भी प्रूव करना है. तो एक बात ध्यान दीजिए, ये तीनों क्वेश्चन आपको नोट्स में लिखना है. जो भी अभी थ्योरम्स मैंने बताया उन थ्योरम्स को नोट्स बनाना है, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इमेज आपको केवल दो चीज़ों को भेजना है जो मैंने आपको बताया है वीडियो के बीच में. ठीक है,
केवल उन दोनों का इमेज आपको भेजना है, बाकी नहीं भेजना है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दूसरे एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, हैव अ